Welcome again to Knowledge and Guidance for one more interesting and informative video on health, safety and environment. तो आज मेरे पास है Relix कंपनी का RX IS202 स्मार्टफोन जिसकी प्राइस इंडियन करेंसी में कुछ 1,40,000 रुपए के आसपास है, जो कि आज की मार्केट में मिलने वाले एप्पल के iPhone 14 और Samsung के S24 Ultra की प्राइस के बराबर है। तो इतने सारे पैसे खर्च कर एप्पल, Samsung और दूसरी पॉपुलर ब्रांड में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं ये हम सबको पता है, लेकिन ये फोन में कौन सा ऐसा फीचर है जिसके कारण इसकी प्राइस इतनी ज्यादा है। तो दोस्तों, ये मोबाइल इंट्रिंसिकली सेफ है और ये फीचर ही इस मोबाइल को स्पेशल बनाता है। तो ये मोबाइल आप कोई भी इंडस्ट्री में सेफली यूज कर सकते हो। बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि इंट्रिंसिकली सेफ का मतलब क्या है। तो इंट्रिंसिकली सेफ का मतलब है, इंट्रिंसिकली सेफ इक्विपमेंट इज डिजाइंड टू बी इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इनफ हीट और स्पार्क to ignite an explosive atmosphere even if it damaged or deteriorate. मतलब कि ये एक ऐसा फोन है कि अगर आप इसे explosive atmosphere वाले एरिया में भी यूज कर रहे हो तो भी इस फोन के कारण आग नहीं लगेगी। तो इस फोन को आप hazardous area zone 0, zone 1 और zone 2 में भी यूज कर सकते हो और वो भी safely। तो भाई, पहले भी मार्केट में intrinsically safe फोन तो अवेलेबल थे, लेकिन वो सिर्फ कॉलिंग फीचर वाले सिंपल मोबाइल फोन होते थे, स्मार्टफोन नहीं। और ये फोन एक यूके बेस्ड कंपनी का है जिसकी टेक्निकल इंफॉर्मेशन सारी आपको इसकी वेबसाइट पर मिल जाएगी। Relix एक यूके बेस्ड ब्रांड है जो स्पेशली इंट्रिंसिकली सेफ इक्विपमेंट एंड डिवाइसेस बनाती है, और इस फोन की पूरी टेक्निकल इंफॉर्मेशन आपको इसकी वेबसाइट पर मिल जाएगी और जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। ये फोन ATEX सर्टिफाइड है और ATEX सर्टिफिकेशन एक यूरोपियन यूनियन रेगुलेशन है जो ये इंश्योर करता है कि कोई भी इक्विपमेंट या डिवाइस एक्सप्लोजिव एटमोस्फियर में काम करने के लिए सेफ है। वैसे ATEX का फुल फॉर्म भी है एटमोस्फियर एक्सप्लोजिव। एक और खास बात है इस फोन की कि इसे आप -20 से लेके +60 डिग्री टेम्परेचर तक यूज कर सकते हो। तो चलिए अब फटाफट से मोबाइल का अनबॉक्सिंग करते हैं। तो भाई, फोन का बॉक्स कुछ इस तरह से है, नॉर्मल बॉक्स की तरह ही दिख रहा है। ऊपर यहाँ पर Relix RX IS202 की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपको दो IMEI नंबर्स भी मिल जाएंगे, इसका मतलब फोन में डबल सिम यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब बॉक्स को खोल के देखते हैं कि फोन दिखता कैसा है। तो सबसे पहले ही आपको यहाँ पर मोबाइल मिल जाता है। तो ये इंट्रिंसिकली सेफ मोबाइल कुछ आपको ऐसा दिखेगा। यह है फ्रंट लुक और यह है बैक लुक। 5.7 इंच फुल HD स्क्रीन है, 5G अनेबल है, Dimensity 700 प्रोसेसर है, 3248 और 8 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा है, 8GB रैम है, 128GB इंटरनल मेमोरी है और IP68 की रेटिंग भी आपको मिल जाती है, और दूसरे भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो आप इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में देख सकते हो। बैक लुक में यहाँ पर आपको कैमरा मिल जाएंगे 48 मेगापिक्सल विथ फ्लैश लाइट, और यहाँ पे आपको NFC भी मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाएगा। साइड में यहाँ पर आपको पावर ऑन ऑफ बटन और वॉल्यूम अप डाउन कीज मिल जाएगी। पीछे आपको ये टाइप सी का स्लॉट मिल जाएगा चार्जिंग करने के लिए, और यहाँ पर आपको एक पुश टू टॉक बटन और सिम कार्ड एंड मेमोरी कार्ड ट्रे मिल जाएगी। और यहाँ से ये कुछ ऐसा दिखता है, और इसके साथ ये एक अटैचमेंट भी आया हुआ है। ये फ़ोन के लुक को लेकर आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आपको ये बैक कवर जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये बैक कवर नहीं है, ये फ़ोन इटसेल्फ है, और यही चीज़ है जो इसे इंट्रिंसिकली सेफ और IP68 मतलब वाटरप्रूफ भी बनाती है। तो ये फ्लेम प्रूफ और वाटरप्रूफ फ़ोन है, और फ़ोन के पीछे आपको ATEX सर्टिफाइड का टैग भी मिल जाएगा। अब फ़ोन को हम थोड़ी देर साइड में रख देते हैं और देखते हैं बॉक्स में और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। तो ये कुछ ऐसा इसमें से यूज़र मैनुअल मिलेगा। नॉर्मल फ़ोन का तो यूज़र मैनुअल हम देखते भी नहीं हैं, लेकिन ये इंट्रिंसिकली सेफ फ़ोन है तो इसके यूज़र मैनुअल में आपको कुछ नई चीज़ें जानने को मिल सकती है।
इसको हम साइड में रखते हैं अभी यूजर मैनुअल को। और दूसरा, इसमें चार्जर भी साथ में आता है जो कि ये फास्ट चार्जर सपोर्ट करता है। और इसमें USB टू C टाइप रेड कलर का एक डेटा केबल भी साथ में आता है। तो इस फ़ोन को आप तीन तरह से चार्ज कर सकते हो, एक USB केबल थ्रू, दूसरा मैग्नेटिक चार्जर के थ्रू और तीसरा वायरलेस चार्जिंग के थ्रू। चलिए अब इस फ़ोन को स्विच ऑन करते हैं। ये फ़ोन एंड्रॉयड 11 पर रन होता है। तो देखिए फ़ोन अब स्टार्ट हो गया है, टच स्क्रीन भी काफ़ी स्मूथ है और इसमें आइकॉन्स भी बहुत बढ़िया दिख रहे हैं सभी एकदम। और इसमें रैम भी 8GB होने के कारण बहुत ही स्मूथली फंक्शन कर रहा है। और ये कैमरा ओपन कर लेते हैं, कैमरा भी बहुत बढ़िया दिख रहा है अभी। तो इसका जो बैक कैमरा है वो 2K तक सपोर्ट कर सकता है और फ्रंट कैमरा फुल HD तक सपोर्ट करता है। हमारे एंड्रॉयड फ़ोन की तरह ही इसका सेटिंग्स मिल जाता है। और अगर इसमें देखें अबाउट फ़ोन में, तो ये डिवाइस एंड्रॉयड 11 पर रन होता है और इसमें फेस आईडी, फिंगरप्रिंट, पोर्ट्रेट मोड, सुपर जूम, AI इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी जैसे काफ़ी सारे लेटेस्ट फीचर अवेलेबल है। जैसे मैंने बताया ये एंड्रॉयड 11 पर रन होता है और ये देखिए कितना स्मूथ फंक्शनिंग हो रहा है, लग ही नहीं रहा है कि मैं कोई एक इंडस्ट्रियल फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको सिम कार्ड ट्रे मिल जाएगी जिसको निकालने के लिए कोई भी इजेक्टर टूल की ज़रूरत नहीं है, इसको आप डायरेक्टली खींचकर निकाल सकते हो। तो यहाँ पर ये हाइब्रिड सिम ट्रे है जिसमें आप दो सिम कार्ड या फिर एक सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हो। तो भाई फ़ोन का स्पीकर भी बहुत ही बढ़िया है, ये 120 डेसिबल जितनी आवाज़ निकाल सकता है, तो आपको साउंड एकदम क्लियर आएगी नॉइजी एरिया में भी। और साथ में फेस अनलॉक भी है और ये बहुत ही लाइट वेट है और इसमें 4400 mAh की बैटरी है, तो बैटरी बैकअप भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और साथ में इसमें GPS सिस्टम भी है, तो एम्प्लॉई कहाँ पर काम कर रहा है ये भी आप GPS के थ्रू मॉनिटरिंग कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो थी इंट्रिंसिकली सेफ मोबाइल की इंफॉर्मेशन। इंडस्ट्रीज में काफ़ी सारे दूसरे इक्विपमेंट और डिवाइसेस भी है जो इंट्रिंसिकली सेफ होते हैं। अगर आप उस डिवाइस या इक्विपमेंट के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, स्टे सेफ स्टे हेल्दी। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।